अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बैंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार वणकम सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास स्टॉक आया है, एक से बढ़कर एक स्टॉक है। एक से बढ़कर एक मीन्स ब्रांड हमारा लुकाना, लुकाना का ब्रांड है और मोर देन 16 मॉडल्स है, टोटल 16 मॉडल रॉड्स हैं। तो इसमें बहुत सारे मॉडल स्टॉक आया, अभी खत्म भी हो गया। अभी जो स्टॉक बचा हुआ है उसको मैं निकाला हूँ, क्योंकि इसमें से जो जो आप लोगों को पसंद आ रहा है वो देख के ले सकते हैं। और इस बार कुछ नए भी लॉन्च हुए हैं, नए रॉड्स, जैसे बट जॉइंट रॉड्स लॉन्च हुए हैं, स्पिनिंग लॉन्च हुआ है और शायद बैट कास्टिंग भी लॉन्च हुआ है। देख लेते हैं जो नए नए लॉन्च हुए हैं। और सर्फ रॉड है और बैट कास्टिंग है, स्पिनिंग्स में बहुत सारे हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट है। एक एक करके मैं जितना हो सकता उतना जल्द जल्द फिनिश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टोटल 16 मॉडल है। शायद मैं टाइम ज्यादा लग जाएगा। देख लीजिए जो नए मॉडल्स हैं उसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, पुराने मॉडल्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड है। जो नए हैं मैं उसका क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा जितना हो सकेगा, और जो ओल्ड मॉडल्स हैं वो बैक वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं लेट किए बिना। पहले हाथ मिला है लुकाना नेविगेटर, लुकाना नेविगेटर बैट कास्टिंग रॉड है और डबल टिप का आता है, येलो कलर रॉड में। तो रिस्टॉक हो चुका है। ओके, तो डबल टिप में लुकाना बैट कास्टिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल, डिजाइन और फिनिशिंग, A1 फिनिशिंग है ये वाला रॉड। तो यहाँ पे देख सकते हैं A1 फिनिशिंग है, बैट कास्टिंग रॉड है और टॉप ऊपर से थ्रेडिंग सिस्टम दिया है जो रॉड को और भी मजबूत बनाता है। और एक से बढ़कर एक रॉड्स हैं और गाइड्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये गाइड्स और आगे का टिप्स भी आपको चेक करना है। ये खासकर दो टाइप का बनाया है, दो टाइप मीन्स एक अल्ट्रा लाइट एंग्लर्स, अल्ट्रा लाइट जो खेलते हैं आप लोगों के लिए इसमें एक टिप बनाया है, क्योंकि इसमें कास्टिंग वेट ज्यादा दिया है तो इसीलिए मैं ये थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग देखे नहीं बैक वीडियोस, तो अभी आप देख लीजिए। ये नॉर्मल कास्टिंग वेट है जो स्पून स्पिनर वगैरह जो भी चलाना है चला सकते हैं आप ये रॉड पे। ये वाला खासकर टिप अल्ट्रा लाइट एंग्लर्स वालों के लिए बनाया है, जो 5 ग्राम 10 ग्राम या तो जीरो स्पिनर्स जो इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वाला टिप सबसे फायदेमंद है, क्योंकि ये वाला टिप बाकी का आपका नॉर्मल गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक रॉड में दो ऑप्शन बनाया है, एक अल्ट्रा लाइट जैसा और एक नॉर्मल फिशिंग जैसा, तो एक ही रॉड पे आप दोनों काम चला सकते हैं। और बाकी कास्टिंग वेट जैसे मैं बताया 150 ग्राम दिया है, 40 to 150 ग्राम इसके लिए कास्टिंग वेट दिया है, लेकिन इतना वेट कास्ट नहीं होगा और क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से उतना नहीं लेगा। तो जैसे मैं बताया फर्स्ट में जो दिया है 20 to 60 ग्राम, ये वाला टिप परफेक्ट है 20 to 60 ग्राम आप लोगों के लिए कास्ट करने के लिए, और बाकी ये अल्ट्रा लाइट सोच के ले सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो दिया है वही हम कैटलॉग में मेंशन करना है। तो कैटलॉग में एक मेंशन है, आपको रॉड मिलने के बाद यहाँ पे एक मेंशन है, तो क्या होता है बहुत सारा झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग क्या यूज कर सकते हैं। और कार्बन सॉलिड फाइबर टिप्स है, सॉलिड फाइबर मीन्स ये आगे का जो यहां से जो जॉइंट बनाया है, तो यहां से देख सकते हैं ये आगे का जो जॉइंट है ये सॉलिड फाइबर आता है, फुल सॉलिड आता है, उतना आसान से टूटेगा नहीं। तो इसीलिए बाकी का फीचे का जो टिप है हलो आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये येल्लो कलर, येल्लो सेक्शन जो देख रहे हैं ये वाला कार्बन आता है, बाकी आगे का फुल सॉलिड आता है, उतना इजी से रॉड टूटना भी चांस नहीं है ये सॉलिड टिप के वजह से। तो बैट कास्टिंग में बढ़िया ऑप्शन है, 2-in-1 ऑप्शन देख रहे हैं, लाइट वेट प्लस नॉर्मल फिशिंग के लिए देख के ले सकते हैं। तो उसके बाद ये आता है लुकाना ब्लैक रिवर फिर से रिस्टॉक हो चुका है बैट कास्टिंग में। तो ब्लैक रिवर एक हेवी रॉड है, हेवी रॉड मीन्स जो हेवी शॉट्स मारते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रॉड है ये वाला, क्योंकि बहुत लोग रॉड भी ऐसा पूछते हैं जो फ्लेक्सिबल ना हो, तो ये रॉड फ्लेक्सिबल नहीं आता है, हेवी एक्शन है। तो यहाँ पे टिप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं,
हैवी एक्शन आता है, हैवी एक्शन आता है तो हैवी शॉट्स जो आप लोग मारते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रॉड है लुकाना ब्लैक रिवर। और बाकी कास्टिंग वेट इसमें दिया है 150 ग्राम, तो 150 ग्राम 100 ग्राम तक आराम से कर सकते हैं क्योंकि टिप हैवी होने के वजह से। वैसे भी बेट कास्टिंग में 100 ग्राम कोई करेगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम या तो 40 ग्राम का स्पून अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ही इस्तेमाल होता है। फ्रॉग में हाईएस्ट 28 ग्राम, और बाकी जो भी अपने स्पिनर्स या तो कुछ भी सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर जो आपके टारगेट से देख रहे हैं 50 ग्राम से ऊपर कोई भी नहीं जाएंगे, वो तो कंफर्म है। बाकी आप लोग देख के ले सकते हैं, हेवी शॉट्स के लिए सबसे बेहतरीन रॉड है। और ये भी आता है ऑलमोस्ट के गाइड के साथ आता है, और ये भी ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है स्टॉक, तो कार्बन टेक्नोलॉजी है और लियोर वेट जैसे मैं बताया, और लाइन रेटिंग 20 to 40 LB लाइन रेटिंग है, और एक फुल ग्रिपिंग के साथ आता है जो बहुत लोग पूछते हैं ग्रिपिंग, तो ग्रिपिंग के साथ आता है, यहाँ पे देख सकते हैं फुल ग्रिपिंग के साथ आता है। तो ये हो गया, और उसके बाद आता है लुकाना ब्लैक मामबा। दो साइजेस यहाँ पे दिख रहे हैं तो देख लेते हैं, पहले 6.6 फीट बताता हूँ, बाकी वो स्पिनिंग है या बेट कास्टिंग है देख लेता हूं मैं। तो लुकाना ब्लैक मामबा 6 फीट, हाँ 6.6 फीट, बेट कास्टिंग में 6.6 फीट। तो ये भी डिजाइन चेक कर सकते हैं, फुल मैट फिनिशिंग रॉड आता है और कॉर्क डिजाइन आता है कॉर्नर में, और एक ग्रिपिंग मींस रॉड वेट करने के लिए यहाँ पे डिजाइन दिया है, और ट्रिगर भी देख सकते हैं ऊपर से ग्रिपिंग दिया है, थ्रेडिंग दिया है, बढ़िया रॉड है और लाइट वेट में बढ़िया रॉड है। लाइट वेट में जो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, और इसमें कास्टिंग वेट 8 ग्राम to 40 ग्राम, परफेक्ट कास्टिंग वेट है। और बाकी इस पे जो लाइन रेटिंग दिया है पी में दिया है, ये शायद कैटलॉग में क्लियरली अपलोड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बेट कास्टिंग में एक बढ़िया रॉड है, लाइट वेट में आप लोग देख के ले सकते हैं। और इसका ज्यादातर बहुत कंप्लेंट बोलते हैं ये पूरा टिप अंदर नहीं जाता है, तो ऑलमोस्ट मुझे जो मिला है परफेक्टली गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा परफेक्टली गया है। शायद एक एक ऐसा हो जाता होगा, थोड़ा देख लीजिए, देख के कर लीजिए, ऑलमोस्ट पूरा जा रहा है, बढ़िया रॉड है लाइट वेट में, आप लोग देख के ले सकते हैं। तो उसके बाद ये भी ब्लैक मामबा है हेच, तो देख लेते हैं, ये 7 फीट में आता है, तो शायद ये बेट कास्टिंग है, स्पिनिंग है, अच्छा बेट कास्टिंग है। तो ब्लैक मामबा में दो साइजेस अवेलेबल है, 6.6 फीट 7 फीट, जिनका जो चॉइस है देख के आप लोग ले सकते हैं। सेम डिट्टो रॉड आता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, और इसमें भी कॉस्टिंग वेट ऑलमोस्ट 8 to 40 ग्राम, परफेक्ट कॉस्टिंग वेट है। अगर ऐसा वैसा होता तो मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता, लेकिन इसमें परफेक्ट कॉस्टिंग वेट दिया है तो इसके बारे में कुछ भी बोलूंगा नहीं। और एक बढ़िया रॉड है लुकाना ब्लैक मामबा, और हमारे स्नेकहेड एंग्लर्स के लिए खासकर स्नेकहेड लॉगो के साथ आता है, स्नेकहेड लॉगो के साथ, और बढ़िया रॉड है, बढ़िया रिव्यूज भी है इस पे। तो 6.6 फीट 7 फीट। और उसके बाद और एक रॉड आता है हेवी रॉड, हेवी मींस जैसे मैं बताया ब्लैक रिवर, उससे भी हेवी बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि इसका टिप बहुत हेवी गेज में है, प्लस हेवी रॉड है ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैमो डिजाइन में आता है, तो ये डिजाइन भी चेक कर सकते हैं, बहुत हेवी ग्रिपिंग के साथ है और अच्छे खाते पीते खानदान का रॉड है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत मजबूत रॉड है, बहुत मजबूत रॉड है ये वाला, खासकर जो हेवी शॉट्स मारते हैं और लिफ्टिंग, जो लिफ्ट हेवी मींस डीप से समझ लीजिए, कुछ डीप से आपको लिफ्ट करना है तो भी आप ये रॉड से लिफ्ट करके निकाल सकते हैं। और बाकी जैसे मैं बोलता हूँ लिफ्टिंग मत करिए, लेकिन थोड़े स्पॉट्स ऐसे रहते हैं जो हमें लिफ्ट करके निकालना पड़ता है, तो उस तरह के स्पॉट्स में आप लोग ये रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमर रिव्यूज प्लस मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से, रिव्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत लोग इस पे वैसे स्पॉट्स पे वीडियोस बना के मुझे भेजे हैं। तो इसमें कास्टिंग वेट ऑलमोस्ट, ये भी के गाइड्स का रॉड आता है, ऑलमोस्ट वेट कास्टिंग में जितने भी आप देखे पूरे के गाइड्स हैं, बस वो नेविगेटर जो है वो नॉर्मल गाइड है विदाउट कोटेड। और इसमें कास्टिंग वेट
30 to 80 ग्राम, ऑलमोस्ट 30 to 80 ग्राम इस पे आप चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका टिप का एक्शन देख सकते हैं हैवी एक्शन है, तो उस हिसाब से 80 ग्राम तक चला सकते हैं, क्योंकि अगर टिप फ्लेक्सिबल आता है तो 80 ग्राम बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं बताया हमारे लिए तो उतना नहीं चाहिए, फिर भी दिया है कंपनी से एक्शन एक्सट्रीम हैवी, हैवी नहीं एक्सट्रीम हैवी, तो उसी लिए बता रहा था आप इस पे जो भी चाहिए चला सकते हैं। तो बाइट कास्टिंग में ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, देख के ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा फेमस रॉड गॉन स्क्वाड। गॉन स्क्वाड ये एक रॉड ऐसा है जो स्पिनिंग और बाइट कास्टिंग दोनों आप एक ही रॉड पे चला सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली तो बोल नहीं सकता हूँ, जो मैं हर बार जैसे बोलते रहता हूँ, लेकिन क्या मालूम नहीं एक रॉड फेमस हुआ है 2-in-1 में, स्पिनिंग भी चला सकते हैं और बाइट कास्टिंग भी आप इस पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पूरा मैट फिनिशिंग का रॉड आता है और बहुत जबरदस्त गाइड के साथ भी आता है ये वाला, के गाइड नहीं है लेकिन स्टेनलेस स्टील जैसे कुछ बोलते हैं उस तरह का गाइड्स है, और ऑलमोस्ट 3 लेग के गाइड्स है ये वाला, जो विंडलेस नॉट जो बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट पूरे बाइट कास्टिंग रॉड में इसी तरह के आगे का टिप दिया है, ये बहुत फायदेमंद होता है, और पूरे 2 लेग के गाइड्स ही आते हैं, ऑलमोस्ट सब में 2 लेग के गाइड्स ही हैं, और इसमें शॉर्ट ट्रिगर भी दिया है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो बाइट कास्टिंग और स्पिनिंग दोनों चला सकते हैं, क्योंकि गाइड भी उसी तरह दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइड भी छोटा ही दिया है ताकि आप स्पिनिंग पे बाइट कास्टिंग पे दोनों पे चला सके। और प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, देख सकते हैं, और इसमें सेम डिट्टो रॉड है 7 फीट 8 फीट दोनों मिल जाएंगे, तो रॉड डिट्टो है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो नया स्टॉक आया उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा टाइम आपसे ले रहा हूं। और इसमें कास्टिंग वेट दिया है 2 सेक्शन का रॉड है 8 to 28 ग्राम, 28 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है, ये भी बढ़िया कास्टिंग वेट दिया है, परफेक्टली दिया है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा फ्लेक्सिबल आता है तो उसी लिए 28 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है। और ल्योर लाइन रेटिंग दिया है 10 to 25 LB दिया है, और बहुत लोग 10 to 25 LB लाइन खेलना बोल के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एक्चुअली क्या है एलबीस पे मत जाइए, क्योंकि हर एक ब्रांड जो है ऑलमोस्ट समझ लीजिए जितने भी मेरे पास ब्रांड्स है इंटरनेशनल ब्रांड्स, बस मेरे पास एक दो ही है, जैसे डाइवा है और सी नाइट है, ये दो ही है, और एक उकोमा है, तो उकोमा मींस इनका एलबीस और एमएम बहुत अलग होता है, और ये जो सब नॉर्मल लाइन्स आ रहे हैं जो हमारे जो रेगुलर चलते हैं इसका डायामीटर अलग होता है, एलबीस बहुत ज्यादा होता है और केजीस और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये लोग को थोड़ा डायामीटर लाइन मोटा देना है, केजीस ज्यादा बताना है, उस हिसाब से मेंटेन करना है, तो इसीलिए बता रहा हूँ एलबीस पे मत जाइए, केजीस पे मत जाइए, एमएम के हिसाब से आप लोग देख के ले सकते हैं। और रेगुलर जो चलाते हैं, जो मेरे रेगुलर कस्टमर जो लाइन्स लेते हैं, खासकर स्नेकहेड के लिए मैं बताता हूँ, बाइट कास्टिंग में 26 mm 28 mm, ये दो परफेक्ट साइज है बाइट कास्टिंग के लिए, अगर स्पिनिंग खेल रहे हैं 28 30 32, ये परफेक्ट साइज है आप लोगों के लिए, और ऑलमोस्ट ये साइजेस के लाइन आप आराम से ये रॉड्स पे चला सकते हैं। तो बहुत लोग को एलबीस में पता नहीं चलता है, तो उसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस भी बढ़िया है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ, जो रेगुलर कस्टमर जो मेरे पास खरीदते हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, उस हिसाब से देख के आप लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है स्नेकहेड हंटर, जो बाइट कास्टिंग में देखे तो स्पिनिंग में भी स्नेकहेड हंटर आया है, लेकिन 8 फीट का आता है स्पिनिंग में, जैसे मैं बता रहा हूँ हेवी शॉट्स के लिए, और बाकी जो ज्यादा एक्स्ट्रा वेट मीन्स गोला सत्तू खेलते हैं फीडर भी आप इस पे चला सकते हैं, ये रॉड पे आप फीडर भी चला सकते हैं, इसमें कास्टिंग वेट दिया है ऑलमोस्ट 30 to 80 ग्राम दिया है, तो ऑलमोस्ट आप 100 ग्राम तक फीडर भी इस पे चला सकते हैं, इसका टिप का एक्शन देख सकते हैं कितना हेवी है, टिप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ चला सकते हैं, बाकी कंपनी के हिसाब से नहीं, तो बढ़िया रॉड है, तो ये भी देख के ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग
नॉर्मल रॉड्स पे भी फीडर्स कार्प फिशिंग हर फिशिंग कर लेते हैं, और कार्प फिशिंग के लिए खासकर रोहू कतला के लिए स्पेशल रॉड्स आते हैं, कार्प रॉड्स, वो भी आए मेरे पास, मैं वो क्लियरली वो भी समझाऊंगा। बहुत लोग 8 फीट 7 फीट 9 फीट हर रॉड पे अपना पूरा काम चलाते हैं, जैसे स्पिनिंग कार्प फिशिंग जो भी है, उसी तरह मैं बता रहा हूँ ये रॉड आप उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स स्पिनिंग भी कर सकते हैं, कार्प फिशिंग भी कर सकते हैं, मीन्स 2-in-1 रॉड के जैसा भी यूज कर सकते हैं। तो स्नेक हेड हंटर एक बढ़िया रॉड है, और जैसे लाइन रेटिंग बताया 20-40 LB, सेम लाइन रेटिंग है, कास्टिंग वेट भी सेम है, और ये आता है स्पिनिंग में और वो आता है बाइट कास्टिंग में। तो ये हो गया। तो उसके बाद बढ़ते हैं लुकाना प्रेडिटर। तो लुकाना प्रेडिटर एक हेवी गेम के लिए खासकर ये रॉड बनाया है, लुकाना प्रेडिटर, और कास्टिंग वेट दिया है ऑलमोस्ट 60-150 ग्राम, 60-150 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो जो भी आपका टारगेट है देख के ले सकते हैं। और लुकाना प्रेडिटर के गाइड्स के साथ आता है, के गाइड्स के साथ आता है, और यहाँ पे इसका ग्रिपिंग भी देख सकते हैं, ये थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए मेरे हाथ के पास, ट्रायंगल टाइप का ग्रिपिंग दिया है, मीन्स ट्रायंगल, राउंड शेप नहीं है, ट्रायंगल टाइप है, क्योंकि फोटोज में पता नहीं चलता है, थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ। और खासकर ये बिग गेम के लिए इस तरह के रॉड्स, मीन्स इस तरह के ग्रिपिंग्स प्लस इस तरह का रॉड बनाया है ये वाला। और ये आता है 270 मीन्स ऑलमोस्ट 300, 9 फीट 10 फीट, जो सॉल्ट वाटर एंगलर्स हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट रॉड है ये वाला। और इसमें कास्टिंग वेट जैसे मैं बताया 270 60-150 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, 20-40 LB लाइन रेटिंग दिया है, और टिप के हिसाब से 160 ग्राम बहुत मुश्किल है, बाकी 100-120 ग्राम ओके है, क्योंकि यहाँ पे रॉड का एक्शन दिया है SWHS नैनो कार्बन टेक्नोलॉजी है, सॉल्ट वाटर है, और यहाँ पे HS दिया है, एक्सट्रीम हेवी है, शायद एक्सट्रीम हेवी है, लेकिन जैसे मैं बताया 160-150 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, 120 ग्राम तक ओके है, 150 भी चला सकते हैं, लेकिन 150 के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल आता है, मींस क्या है, फ्लेक्सिबल के वजह से वो कास्टिंग सीधे नहीं होता है, प्लस इधर उधर चल जाता है, जो हम टारगेट करते हैं वो पूरा नहीं होता है, शायद रॉड कास्टिंग करता होगा लेकिन आपको वो बैलेंसिंग नहीं मिलेगा। तो 9 फीट 10 फीट मीन्स पूरा स्पेसिफिकेशन जो बोलते हैं पूरा एक ही है, बस साइज में थोड़ा डिफरेंट है, और रॉड दिखने में डिट्टो दोनों सेम है, के गाइड का आता है, आप लोग देख के बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया। ओके। तो उसके बाद एक रॉड आता है लुकाना मास्टर ब्लास्टर, तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना मास्टर ब्लास्टर, तो ये रॉड चेक कर लेते हैं। हाँ, लाइट वेट रॉड है लुकाना मास्टर ब्लास्टर, प्रेडिटर से लाइट वेट है, तो लाइट वेट मीन्स सर्फ फिशिंग के लिए बढ़िया रॉड है ये वाला, खासकर सॉल्ट वाटर एंगलर और फ्रेश वाटर एंगलर्स के लिए। और मास्टर ब्लास्टर सॉल्ट वाटर दिया है, और इस पे कास्टिंग वेट दिया है 30-160 ग्राम कास्टिंग वेट है, लाइन रेटिंग सेम है, 20-40 LB लाइन रेटिंग है, और एक्शन हेवी दिया है, एक्शन हेवी दिया है, तो आप लोग थोड़ा चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे कार्बन का लॉगो भी दिया है। और ये रॉड आता है ऑलमोस्ट 9 फीट में, अच्छा 9 फीट एक ही साइज में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ये भी आप आराम से 120 ग्राम तक चला सकते हैं, 160 ग्राम दिया है। फ्यूचर प्लान में बोल के देता हूँ, ताकि आप लोग उतना वेट दिया बोल के उतना यूज मत करिए, उसी लिए बता के देता हूँ, क्योंकि टिप के हिसाब से मुझे थोड़ा बता के देना है, तो उसी लिए अभी देखिए स्नेक हेड में कम दिया है, लेकिन उससे ज्यादा कर सकते हैं,
तो यहाँ पे टिप का एक्शन देख के मुझे बताना पड़ता है जो आगे से आप लोग ले रहे हैं उसी लिए। बाकी कंपनी दिया है टेस्टिंग से चेक करके ही दिया होगा, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन एंग्लर्स के लिए खासकर मुझे ऐसे बता के देना है ताकि लेने के बाद थोड़ा आराम से देख के इस्तेमाल कर ले और एक दो साल में टूट ना जाए, इसी तरह मैं सोच के पूरा क्लियरली बताता हूँ। तो प्रेडिटर सॉरी मास्टर ब्लास्टर लाइट वेट है, बढ़िया रॉड है, देख के ले सकते हैं आप। तो एक मिनट, और नेक्स्ट आता है लुकाना कमाडो। तो लुकाना कमाडो, तो लुकाना कमाडो में भी कास्टिंग वेट दिया है 200 ग्राम। तो अभी ये समझाने में मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा, शायद आपको भी समझने में क्लियरली पता चल जाएगा ये टिप देखकर, क्योंकि ये बैक टू बैक मैं बनाते ही रहता हूँ तो उसी लिए। तो एक्शन दिया है मीडियम हैवी, मीडियम हैवी दिया है, साथों साथ 200 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, तो उसी लिए ये थोड़ा समझा देता हूँ। रॉड एकदम बढ़िया है, बहुत स्लिम रॉड है, बहुत स्लिम है, और डिजाइन में ये वन रॉड है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना स्लिम है, बहुत सुंदर रॉड बनाया है खासकर ये वाला। क्योंकि आपको बताता हूं ये टिप और ये टिप यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना है, क्योंकि स्लिम लवर्स भी बहुत सारे हैं, लाइट वेट रॉड्स भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसी लिए मैं इसे एक एक करके थोड़ा क्लियरली बताता हूँ। तो देख सकते हैं वो कितना मोटा है और ये कितना स्लिम है, तो बढ़िया रॉड है और 200 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो यहाँ पे जो मैं उसको प्रेशर दिया था बस उतना ही दूंगा, बस आपको अब्जोर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक्शन दिया है मीडियम हैवी, मीडियम हैवी एक्शन दिया लेकिन इतना फ्लेक्सिबल है, प्लस सातों सात गया, बहुत दिन से काम दे रहा था, तो सातों सात 200 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो अभी टिप देखने के बाद शायद आप लोग ही समझ चुके 200 ग्राम ये करेगा क्या, नहीं करेगा, लेकिन रॉड बढ़िया है। जैसे मैं बोलते रहता हूँ खासकर ये रॉड आप ज्यादातर सॉफ्ट बाइट्स जिग के ऊपर ये रॉड चला सकते हैं, जिगिंग कर सकते हैं ये रॉड पे, क्योंकि इसका क्वालिटी प्लस इसका कार्बन के हिसाब से मैं देख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना हैवी कार्बन इस्तेमाल किया गया है, और ये रॉड तो ज्यादा से ज्यादा टूटने के आज तक कोई कंप्लेंट्स ही नहीं आया, ये रॉड का खास कर एक कंप्लेंट भी मैं नहीं देखा हूँ। तो अगर देखा हूँ तो मैं बताता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं कंप्लेंट नहीं देखा हूँ। इसके कंप्लेंट देखा हूँ सेरेमिक्स फूटने के, मीन्स वो कैसे यूज करते हैं, रॉक्स पे डाल लेते हैं या फूट जाता है, या तो रॉक्स पे डालने से बहुत जल्द फूटता होगा, मुझे कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ, और मैं बहुत लोगों को सेरेमिक्स भी दिया हूँ तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हर एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट होता है जो मैं सबके लिए प्रोवाइड करता हूँ, और कौन किसके लिए क्या ले रहा है कौन, क्योंकि अभी सेरेमिक मीन्स पूरे रॉड्स का गाइड सेम नहीं होता है, हर रॉड के गाइड्स अलग अलग साइजेस होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं पूछता हूँ कौन सा गाइड गया है, कौन से रॉड का गाइड है और कौन सा साइज है, तो उसी हिसाब से ये जो मैं देते रहता हूँ तो इसमें मुझे पता चल जाता है ये कौन सा रॉड क्या डैमेज हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सब थोड़ा पता चल जाता है, वही मैं आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाता हूँ मैसेज। तो बढ़िया रॉड है, 200 ग्राम नहीं चलेगा, 100 ग्राम के अंदर तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी जिगिंग के लिए और स्पिनिंग के लिए, बढ़िया रॉड है और सॉफ्ट बाइट्स के लिए नंबर वन रॉड है, सॉफ्ट बाइट्स के लिए नंबर वन रॉड है, जो आपको एक्शन वो देगा ना, ये जो टिप एक्शन देगा शायद अभी जो ये दो रॉड मैं बताया ये आपको वो एक्शन नहीं देंगे, ये वाला रॉड सॉफ्ट बाइट्स के लिए उतना अच्छा एक्शन देगा, सॉफ्ट बाइट्स श्रिम्स और जिग जो सरफिशिंग से जिग करते हैं तो आपके लिए, और जो क्या बोलते हैं ट्विस्टर जिग चलाते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है, और बाकी ल्योर्स तो नॉर्मली है, वो तो नॉर्मल है, आप 100 ग्राम के अंदर के ल्योर जो भी है चला सकते हैं, बढ़िया रॉड है। और ये भी आता है के गाइड के साथ, ल्योर वाइट 30-200 ग्राम दिया है, जैसे मैं बताया 100 ग्राम के अंदर इस्तेमाल कर लीजिए, परफेक्ट आपको कास्टिंग डिस्टेंस भी मिलेगा प्लस परफेक्ट एक्शन भी रहेगा।
और 20-45 LB लाइन रेटिंग है और एक्शन मीडियम हेवी है। तो देखिए ऐसे रॉड्स मिल जाते हैं। थोड़ा मैं क्लियरली आप लोगों को समझा देता हूँ क्या क्या आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो देख लीजिए, क्योंकि हर एक एंगलर्स का एक एक चॉइस होता है। हर एक एंगलर्स सिर्फ पॉपिंग नहीं करता है, थोड़े प्लेसेस ऐसे होते हैं जो वहां पे पॉपिंग का यही आपको एक्शन ही नहीं है, पॉपिंग ही नहीं चलता है वहां पे, सिर्फ सॉफ्ट बाइट चलता है, श्रिम्स चलता है, जिक्स चलता है। ऐसे प्लेसेस भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो रिसेंटली मैं ट्रिप गया था वहां पे ट्रोलिंग छोड़ के दूसरा कुछ चलता ही नहीं है, सिर्फ ट्रोलिंग, वो भी एक ही ल्योर है, पुष्पा ल्योर, उसी पे चलता है, दूसरे ल्योर पे कुछ बैठ ही नहीं होता है। इतने सारे ल्योर्स में भर भर के लेके गया, पूरा ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पुष्पा पे बैठ हो रहा है। तो ऐसे हर स्पॉट का अलग अलग ये होता है, बैट्स होता है, रॉड्स होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे सब रॉड्स के बारे में बता के देना है। तो उसके बाद चलते हैं नेविगेटर 210 स्पिनिंग में। जो स्टार्टिंग में रॉड देखे आप, फर्स्ट रॉड सेम डिक्टो रॉड है, लेकिन ये आता है स्पिनिंग में, तो स्पिनिंग में आता है। और कास्टिंग वेट में जैसे मैं बताया था उतना नहीं रहेगा, एक टिप पे आप 60 ग्राम तक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें भी कास्टिंग वेट सेम रहेगा। तो शायद फॉरवर्ड करके आ गए बहुत जल्द देखने के लिए, तो आप लोगों को भी समझाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, अगर नहीं देखे क्लियरली समझाया हूँ स्टार्टिंग में वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये फॉरवर्डिंग बहुत चलता है उसी लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आगे का गाइड, और बाकी ये दो टिप में आपको ऑब्जर्व करना है जो शुरुआत में मैं बताया हूं, और ये आगे के चार गाइड सिंगल लेग में दिया है। और ये भी देख सकते हैं कितना बगल बगल में गाइड्स यहाँ पे दिया है, बहुत बगल बगल में दिया है, और ये फुल्ली सॉलिड आता है, आगे का टिप सॉलिड आता है 7 फीट में। तो ये देख सकते हैं इतना पतला है, टूटेगा नहीं, आप जैसे चाहिए वैसे चला सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश मत करिए वो करना, क्योंकि हम करते हैं थोड़ा बैलेंसिंग, हमें पता है कहाँ पकड़ना है और कैसे उसको करना है, उस हिसाब से करते हैं। आप लोगों को पता नहीं रहता ऐसे कर देते हैं, या तो यहाँ पे टेस्टिंग, ऐसे भी बहुत लोग टेस्टिंग करते हैं, तो उसी लिए बता रहा हूँ ऐसे टेस्ट मत करिए। और कास्टिंग वेट जैसे मैं बताया 20-60 ग्राम ये टिप पे चल जाएगा, 20-60 ग्राम, और ये टिप पे अल्ट्रा लाइट जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अल्ट्रा लाइट, एक अल्ट्रा लाइट टिप है और एक नॉर्मल टिप है, और 150 ग्राम कास्टिंग वेट जो दिया है वो इस्तेमाल मत करिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो रॉड डिट्टो रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो इसे भी हम ड्रॉप करते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल देख लीजिए, 8 फीट में आता है, अभी जो मैं बताया वो 7 फीट है और ये 8 फीट में आता है। बाकी डिटेल वगैरह सब डिट्टो है, रॉड डिजाइन भी सेम है, टिप्स भी सेम है, बस अपने साइज के हिसाब से आप देख के चॉइस कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है लुकाना रेनो, लुकाना रेनो एक्स कार्बन का रॉड है, ये भी देख सकते हैं लुकाना रेनो, और इसमें कॉस्टिंग वेट 80-180 ग्राम, बढ़िया है, टिप चेक कर लेते हैं। तो 80-180 ग्राम, और डिजाइन में बहुत मजबूत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स रैप कुछ बोलते हैं इसका डिजाइन दिया है, और यहाँ पे फुल ग्रिपिंग दिया है, और बढ़िया ग्रिपिंग है, हेवी रॉड बनाया है। और बाकी कास्टिंग वेट कितना, 180 ग्राम, 80-180 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो चलिए टिप देख लेता हूँ, ऑलमोस्ट हेवी है, हेवी एक्शन है, तो ऑलमोस्ट 180 ग्राम दिया है, चला सकते हैं इसके ऊपर, चला सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी है, के गाइड्स है, और इसका एक्शन हेवी एक्शन दिया है, तो ऑलमोस्ट 180 ग्राम तक चला सकते हैं, बढ़िया रॉड है। तो ग्रिपिंग भी आप देख चुके हैं, फुल ग्रिपिंग के साथ आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी कार्प फिशिंग एंगलर्स आप लोग भी 9 फीट में देख रहे हैं तो ले सकते हैं, और बाकी सॉल्ट वाटर एंगलर्स जो हेवी ल्योर्स चलाना चाहते हैं तो आप लोग भी देख के ले सकते हैं। तो ये हो गया 9 फीट में। तो उसके बाद चलते हैं
प्रोफेशनल कारपोराट, प्रोफेशनल कारपोराट, तो ये देख सकते हैं लुकाना वाइल्ड ब्लैक, लुकाना वाइल्ड ब्लैक 10 फीट में, 10 फीट और 12 फीट साइज आया है। ऑलमोस्ट दोनों रॉड 3 पीस में है। एक रॉड का मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा और कास्टिंग वेट 100 to 300 ग्राम, 100 to 300 ग्राम, और इसमें कास्टिंग वेट दिया है 100 to 250 ग्राम, मीन्स 50 ग्राम डिफरेंट है। और लाइन रेटिंग ऑलमोस्ट 3.5 LBS दिया है, तो शायद ये कुछ है इसका मीनिंग, तो कैटलॉग में क्लियरली दिया हूँ, चेक कर सकते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट स्टॉक आके बहुत दिन हुआ, ऑलमोस्ट एंडिंग पॉइंट में है, ज्यादा स्टॉक नहीं है। जो वीडियो देख रहे हैं देख के तुरंत बुक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ इतना सारा स्टॉक वीडियो ही अपलोड नहीं किया, बहुत सारे मॉडल्स खत्म भी हो गए और थोड़े मॉडल्स पूरे एंडिंग पे रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, जैसे मैं बोलते रहता हूँ यहाँ पे पूरा अपलोड भी करना है, बुकिंग्स भी लेना है और सबसे बात भी करना है, इतना सारा करना है, फिर वीडियोस भी बनाना है, तो उसी लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बैक टू बैक वीडियोस बना दूँ, जो जो प्रोडक्ट आए आप लोगों को बता दूँ, उसके बाद आराम से थोड़ा रेस्ट करूँ, तो ये सोच के थोड़ा जल्द वीडियोज बना रहा हूँ। तो क्योंकि अभी ये रेस्ट करने भी नहीं होगा, अभी समझ ले ये हो गया, इसके बाद और एक दो तीन पेंडिंग है वीडियोस, और उसके पीछे ही और भी बहुत सारा स्टॉक आ रहा है, शायद रेस्ट तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं जितना होगा करते जाऊंगा, तब तक देख लीजिए। तो ये रॉड आता है थ्री पीस में रॉड आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और खासकर प्रोफेशनल कारपोराट है, कारपोराट खासकर इसी तरह के बनते हैं, जो फुल ग्रिपिंग नहीं रहता है, एक्सरैप रहता है, जो आपका हाथ स्लिप नहीं होगा, हाथ यहाँ पे स्लिप नहीं होगा, तो एक्सरैपिंग देख सकते हैं, और प्रोफेशनल कारपोराट है, और बहुत अच्छा रॉड भी बोल सकता हूँ, जो लुकाना ने लॉन्च किया इतने कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस है इसका कारपोराट, अगर आप सर्च भी करेंगे कम से कम एक ब्रांड में आता है, कैपरलैन बहुत लोगों को पता है, डेकेटलैन में वो एक रॉड आता है 3,500 रुपीज में। अगर वो एक रॉड छोड़कर आप बाकी कौन से भी वेबसाइट में, कौन से भी ब्रांड में सर्च करेंगे, 5+ ही आपको मिलता है, 5+ ही मिलता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स इस्तेमाल किया हूँ पहले, तो उसी लिए बता रहा हूँ, वो एक ब्रांड छोड़ के 3,500 छोड़कर कारपोराट अगर सर्च करेंगे 5+ आपको मिलता है, उसके नीचे प्रोफेशनल कारपोराट नहीं मिलता है। लेकिन लुकाना ने बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया है, बढ़िया रॉड है, देख के आप लोग ले सकते हैं, और 3 पीस में आता है, और इसका गाइड भी देख सकते हैं कितना बड़ा गाइड आता है, जो लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करता है, तो साइज देख सकते हैं, और खासकर ये रॉड पैक करने के लिए पूरा 4 इंच का पाइप लगता है, 4 इंच का पाइप लगता है, और पैकिंग के बाद 2-2.5 किलो सिर्फ पैकिंग के बाद पाइप के साथ में इसका बढ़ जाता है, तो ये देख सक, मैं ऐसे ही सैंपल बता रहा हूँ, ऐसा पाइप में पैक होता है, तो ये रॉड के लिए 4 इंच का पाइप लगेगा पैक करने के लिए, सिर्फ पाइप का ही 2 किलो वेट आ जाएगा, बाकी रॉड तो छोड़िए, शायद 800 या तो 500 ग्राम होगा रॉड, तो इसमें इसका वेट नहीं जा रहा है, रॉड का नहीं जा रहा है, बस वो पाइप का वेट के वजह से चार्जेस बहुत खा जाता है, तो देख लीजिए, देख के आप लोग ले सकते हैं। और ये भी जैसे मैं बताया 300 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, और अच्छा डिटेल यहाँ पे है, 300-250 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, 10 फीट का रॉड आता है, तो 10 फीट का रॉड आता है 300 ग्राम, तो 250 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, फीडर 250 ग्राम कोई भी कास्ट नहीं करेगा, 150 ग्राम तक ओके है, चला सकते हैं, टिप के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कारपोराट के लिए ये टिप एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं बोलते रहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पॉपअप या तो गोला कार फिशिंग पे ज्यादातर ऐसे रॉड्स पे चलाते हैं, तो उसके लिए रॉड फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है, क्योंकि सिंगल हुक रहता है तो क्या होता है, सिंगल हुक अगर रॉड हेवी होता है, जो टिप एक्शन नहीं होता है, उसमें हुक्स स्ट्राइट होना बहुत चांसेस है, क्योंकि आप यहाँ से रीलिंग करते हैं और मच्छी वहां से फाइट करता है, तो इस बीच में क्या होता है, हुक स्ट्राइट होना बहुत चांसेस है, अगर हुक स्ट्राइट भी नहीं हुआ, मच्छी का जो फ्लैश होता है पूरा काट के निकलना 100% है, क्योंकि कर्वशैंक हुक, जो सर्कल हुक होते हैं,
और बार्ब्ड हुक होते हैं, ऑलमोस्ट वो पूरा आर पार नहीं होते हैं। कभी भी कार फिशिंग में देख आप ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग खेलते हैं आप लोगों को पता है, कभी भी आर पार नहीं होता है। जैसे स्नेकहेड्स को होता है, बाकी फिशर्स को होता है, ऐसे आर पार रोहू, कतला, ग्लासकर या तो गोल्डन कार्प, कार्प मीन्स ऑलमोस्ट कार्प फैमिली। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, बस ऐसे हुकअप होता है, या तो ऐसे हुकअप होता है या तो कॉर्नर में लग के आता है, लेकिन आर पार कभी भी नहीं होता है, क्योंकि कार्प फिशिंग फीडर पे और सत्तू गोला पे ऐसे ही होता है। सिंगल हुक वो शॉट अलग हो गया, क्योंकि माइंड में बहुत लोगों का फॉरवर्ड ऐसे ही जाता है, सिंगल हुक पे देखे रहते हैं आर पार होता है, वो सिंगल हुक है, ये फिशिंग अलग है, वो फिशिंग अलग है। तो इसके लिए खासकर वो हुक्स स्ट्राइट ना हो, इस वजह से ये रॉड फ्लेक्सिबल बनाया है, मींस बढ़िया रॉड है, आप लोग देख के ले सकते हैं। और जैसे मैं बताया 12 फीट और 10 फीट, ये दो साइजेस में अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं, नया जो लॉन्च हुआ है ब्लैक टेल, लुकाना ब्लैक टेल 210, 7 फीट का रॉड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 फीट का रॉड है और बट जॉइंट में है, बट जॉइंट में है। जैसे मैं बताते रहता हूँ, सिंगल पीस का जो रॉड होता है बहुत मजबूत होता है, सिंगल पीस का रॉड बहुत मजबूत होता है, और खासकर बट जॉइंट पॉपिंग में ज्यादा चलता था। ये अभी नया लॉन्च किए हैं लुकाना ने, देखते हैं क्या क्या लॉन्च किए हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मुझे यहाँ पे देखने में मजा आता है, बाकी पहले देखने में मजा नहीं आता है। तो बहुत बढ़िया है, बाइट कास्टिंग में बट जॉइंट रॉड बनाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइट कास्टिंग में बट जॉइंट रॉड बनाया। तो ऑलमोस्ट के गाइड्स है, के गाइड्स में बनाया है, तो ये देख सकते हैं डबल लेग में के गाइड्स बनाया है। और बकटेल 210 एक्सट्रीम हैवी बीसी, XH एक्सट्रीम हैवी बीसी, एक्सट्रीम हैवी बीसी, तो ऑलमोस्ट टिप फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे शायद, और मैं वो टेस्टिंग भी बताऊंगा, देख लेंगे पहले। और एक्शन दिया है एक्सट्रीम हैवी, ल्योर वेट दिया है 10 to 45 ग्राम, 10 to 45 ग्राम ल्योर वेट दिया है, टिप के हिसाब से मैं देख के बताऊंगा। और पी में लाइन रेटिंग दिया है, पी में लाइन रेटिंग दिया है, वो जो भी है वो कैटलॉग में क्लियरली दे दूंगा, वहां पे चेक कर सकते हैं। और ये भी आता है कार्बन रॉड, बहुत लाइट वेट है, टिप के हिसाब से बता रहा हूँ, लाइट वेट रॉड है और मैट फिनिशिंग रॉड बनाया है, मैट फिनिशिंग है, मैट फिनिशिंग मीन्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए सबसे बेस्ट रॉड होता है मैट फिनिशिंग। तो मैट फिनिशिंग के कार्बन जो रॉड जितने भी मैं देखा हूँ बढ़िया रिव्यूस आते हैं उसके। और बट जॉइंट में तो रॉड भी बताता हूं मैं, तो खासकर जो कार में कैरी करते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, टू व्हीलर्स वगैरह कैरी करने के लिए थोड़ा ये टिप लेंथ होने के वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे का पूरा टिप 6 फीट में आता है, 6 फीट और 1 फीट बट, तो समझ चुके आप 7 फीट का रॉड है, 6 फीट सिर्फ बट आता है, प्लस शिपिंग में भी आप लोगों को चार्जेस इसका ज्यादा आ सकता है, जो भी है मैं चेक करके बता दूंगा। और बाकी टिप के हिसाब से देखते हैं, 40 ग्राम 45 ग्राम परफेक्ट दिया है, 45 ग्राम परफेक्ट दिया है कास्टिंग वेट, तो बहुत बढ़िया रॉड बनाए हैं, कास्टिंग वेट भी परफेक्ट बनाए हैं, 10 to 45 ग्राम आप आराम से यूज कर सकते हैं। और जो जिगिंग करना चाहते हैं, बजट प्राइस में अच्छा रॉड देख रहे हैं सॉल्ट वाटर के लिए, बट जॉइंट है, मजबूत है, उस हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग भी ये रॉड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्शन। और बाकी स्नेकहेड एंग्लर्स वालों के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इस तरह के रॉड्स बहुत मजबूत होते हैं, बस कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी जिगिंग वालों के लिए भी बेस्ट रॉड बता सकता हूँ, ये वाला कम बजट में देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिगिंग के लिए। तो प्रोफेशनली जिगिंग रॉड नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ ना, एक रॉड में 2-3 काम चल जाए तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो उसी हिसाब से मैं बता के देता हूँ। तो 7 फीट में बढ़िया रॉड है। तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लुकाना टर्नाडो 210 अंदर से क्या है देख लेते हैं, बीसी। अच्छा,
लुकाना टर्नाडो बीसी बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 140 ग्राम होगा शायद ये रॉड का वेट, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो लुकाना टर्नाडो एक वो क्या बोलते हैं, ब्रिंजॉल ग्रीन सब मिक्स आता है, मीन जैसे जैसे लाइटिंग है उस तरह इसका कलर चेंज होता है, और डिजाइन भी आप चेक कर सकते हैं जो बहुत अच्छा डिजाइन दिया है गाइड्स का, और रॉड का फिनिशिंग भी बहुत जबरदस्त है, और इसका कॉर्बन भी बहुत बेहतरीन बनाया है। तो ये आप लोग भी थोड़ा देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रॉड्स आता है मैं क्लियरली बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। और लाइट वेट रॉड है, बहुत लाइट वेट बनाया है, और कास्टिंग वेट वगैरह कुछ देख लेता हूँ। लुकाना का रॉड है तो 8 to 40 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, और बहुत अच्छे ग्रिपिंग के साथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे ग्रिपिंग के साथ दिया है, एक आर्मी कैमो का डिजाइन फुल फॉर्म, और ये जो थ्रेडिंग दिया है ऊपर से दिया है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत होता है ये थ्रेडिंग। और फ्यूचर में कभी, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मैं ये थोड़े पॉइंट्स जो है कभी कभार गलत भी कर देता हूं। तो फ्यूचर में अगर ये थ्रेडिंग चला गया अगर क्या, अगर आपके रॉड्स कुछ टूटे हुए हैं तो ये थ्रेडिंग देख सकते हैं। मैं बहुत बार इसीलिए बताते रहता हूँ, अगर फ्यूचर में कुछ थ्रेडिंग चला गया या तो ये स्लिप हो गया, ये अलग सा हो जाता है, तब वो ये थ्रेडिंग काम नहीं करता है। ऐसे रॉड्स क्या है, बहुत इजी है चेंज करना, क्यों आसान है, बस अपना ये गाइड निकालना है, ये गाइड निकाल के आप इसको निकाल के नया वाला डाल के फिर अपना गाइड फिट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मैं बताते रहता हूँ, ये जो ऊपर का थ्रेडिंग ग्रिप होता है ये बहुत मजबूत होता है, प्लस बहुत ये होता है, मीन्स कभी भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे रॉड्स में नीचे थ्रेडिंग आता है लेकिन हमारा ग्रिप भी यही पे रहता है, तो क्या कभी कभार खेलते खेलते क्या होता है, यहाँ से अपने हाथ का जो मुड़ता है कास्टिंग के समय, हमारा हाथ मुड़ता है, शॉट के समय मुड़ता है, ऐसे मुड़ने के टाइम पे क्या होता है, ऑटो लूज होना चांसेस वहां पे बहुत सारा है, तो उस समय रील भी निकल सकता है या तो हिलना चांसेस है, रील हिलता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो नीचे वाले के ग्रिपिंग में, ऊपर वाले के ग्रिपिंग में जितना मजबूत होता है उतना नीचे वाले का नहीं होता है, लेकिन पहले से भी सब यहां से ही ग्रिपिंग आता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है तो ऊपर से दे रहा है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं बताया होता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर होगा, ऐसा नहीं है, बस होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बता के दे रहा हूँ जो अभी लॉन्च किए हैं। तो बढ़िया रॉड है, लाइट वेट है, और इसका एक्शन देख लेते हैं, और जा बाओ चलेगा, तो फर्स्ट टाइम आया है तो एक्शन चेक कर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट क्या दिया इसमें, हेवी एक्शन दिया है, तो आप टिप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। बढ़िया रॉड बनाया है, लाइट वेट है, थोड़ा मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कास्टिंग वेट के हिसाब से। ओके, 40 ग्राम तक आप आराम से इस पे चला सकते हैं, हेवी एक्शन है, बढ़िया रॉड है और लाइट वेट है, और आगे का टिप भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना स्लिम बनाया है। तो ये सब मैं बताते रहता हूँ ताकि आप लेने के बाद थोड़ा आराम से और होशियार से और जैसे कंपनी बताए उस हिसाब से फॉलोअप करें। तो बढ़िया रॉड है, एकदम बढ़िया रॉड बनाया इस बार लुकाना टर्नाडो, जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आ जाएगा देख लीजिए, और टर्नाडो बीसी सेम डिट्टो रॉड है, और ऑलमोस्ट चलिए फर्स्ट टाइम आया तो मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि अगर बैक स्टॉक होता तो वैसे ही छोड़ देता मैं, फर्स्ट टाइम आया ना तो देख लेंगे। तो 8 फीट में ऑलमोस्ट ये भी फुल ग्रिपिंग के साथ आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ट्रिगर भी बहुत अच्छे क्वालिटी का दिया है, और इसमें कास्टिंग वेट ऑलमोस्ट 5 ग्राम बढ़ाया है, 8 to 45 ग्राम ये दिया है, लाइन रेटिंग सेम है। तो बाकी डिटेल सब कैटलॉग में अपलोड है, आप लोग वहां पे चेक करके ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रॉड है लाइट वेट में। तो उसके बाद चलते हैं लुकाना ब्लैक टेल अभी कौन सा बेट कास्टिंग देखे थे, अच्छा बेट कास्टिंग देखे थे, ये वाला स्पिनिंग है,
तो स्पिनिंग में भी ब्लैक टेल आया है। तो रॉड देख लेते हैं इसमें कुछ डिफरेंस दिया है या नहीं। तो ऑलमोस्ट जो वो ब्लैक टेल में ही एक्सप्लेन किया हूँ सेम डिट्टो रॉड रहेगा, बस इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कास्टिंग वेट और डिजाइन इसका कैसा है, कुछ चेंजेस वगैरह है क्या। तो डिट्टो सेम रॉड है, बस इसमें गाइड्स चेक कर सकते हैं, स्पिनिंग के लिए बड़े गाइड्स आते हैं तो स्पिनिंग के लिए बड़े गाइड्स हैं जो स्पिनिंग में देख रहे हैं, और स्पिनिंग में जो जिगिंग करते हैं तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, देख के ले सकते हैं। और बाकी स्पिनिंग जो नॉर्मली जैसे बोलते हैं जो भी आपके टारगेट के हिसाब से आप लोग देख के ले सकते हैं, जैसे सॉफ्ट बाइट्स वगैरह और बाकी छोटे ल्यूअर्स और जिगिंग सब कर सकते हैं ये रॉड पे। बढ़िया रॉड है, बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, क्योंकि ये रॉड को देख के मुझे अलग सा फीलिंग हो रहा है, जो डाइवा जो मैं पॉपिंग रॉड देखा था मुझे वो फीलिंग लग रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसकी उतनी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रॉड बनाया है और बहुत कम प्राइस में बहुत बेहतरीन रॉड बनाया है ये वाला। तो हाँ, डाइवा मीन से आ गया डाइवा वर्सटाइल, तो वो रॉड को देख के ये फीलिंग ये रॉड पे मुझे आ रहा है, उतना अच्छा फिनिशिंग के साथ उतना अच्छा कार्बन इस्तेमाल किया गया इस पे। और बाकी कास्टिंग वेट दिया है 15 to 50 ग्राम, 15 ग्राम से 50 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है। बढ़िया रॉड है, आंख मूंछ के ले सकते हैं ये प्राइस के हिसाब से, तो देख के ले सकते हैं आप। तो उसके बाद डिट्टो सेम रॉड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस इसमें कॉस्टिंग वेट कुछ डिफरेंट है, तो कैटलॉग में मिल जाएगा, आप लोग देख के ले सकते हैं। ये भी स्पिनिंग का आता है 8 फीट में। तो उसके बाद बढ़ते हैं एक बढ़िया रॉड जो सर्फ रॉड बजट प्राइस में देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रॉड है ये वाला सर्फ रॉड। तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना सर्फ कास्टर 12 फीट का रॉड है, 420 मीन्स ऑलमोस्ट 14 फीट और 15 फीट, अच्छा 12 फीट इस बार, ओके 12 फीट और 14 फीट, अच्छा ओके मैं सोचा इतना लंबा है तो ये 15 फीट होगा, एक्चुअली क्या है हाँ तो ये 14 फीट है, थ्री पीस में आता है 12 फीट 2 पीस में आता है, तो उसी लिए ये लेंथ में आया है, ये शॉर्ट में आया है। तो मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, कभी कभार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत समय के बाद तकरीबन 1.5 ईयर या 2 ईयर्स के बाद स्टॉक आया है, मिला है, तो देख के आप लोग ले सकते हैं। पहले इसको पकड़ा हूँ तो इसे क्लियर कर देता हूँ, बाद में उसको मैं क्लियरली समझाऊंगा। तो सर्फ रॉड 3 पीस का है, 14 फीट में आता है, और ये कम बजट में अच्छा रॉड है, जो सर्फ फिशिंग के लिए आप लोग रॉड देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। तो यहाँ पे पहले आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला, तो यहाँ पे जो स्टील का ये दिया है ग्रिपिंग, और ये और भी रॉड को मजबूत कर देता है, क्योंकि क्या है बिग गेम में, खासकर बिग गेम जब हो जाता है, समझ लीजिए सर्फ फिशिंग में ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट वाटर में ज्यादा से ज्यादा जो निकालते हैं बिग फाइट लेके, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन ले का फाइट बहुत हेवी होता है, मीन्स वो फाइट कम देता है, एक दो बार रन लेता है बस, उसके बाद क्या करता है वो पूरा सैंड को पकड़ के बैठ जाता है। तो उस समय क्या करना है, उसे खींचना है, सिर्फ खींचते ही रहना है, जितना हो सकता है वो थोड़ा निकले, तो वो खींचने के चक्कर में जो नॉर्मल रॉड्स हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो पूरा बेंड होने की वजह से, प्लस यहाँ से फटने का भी चांसेस होता है। तो उसी लिए सोच समझ के ये वाला यहाँ पे स्टील का ग्रिपिंग वगैरह यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं बहुत हेवी रॉड बनाया है, और कार्बन ब्लॉक भी बहुत हेवी है। चलिए तीनों एक साथ में बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके आगे का रबर है तो ओके ये नहीं निकलेगा, तो ये देख सकते हैं इसका ब्लॉक्स भी कितना हेवी दिया है। तो जब रॉड हेवी बनाया है तो ऑलमोस्ट ब्लॉक्स भी बहुत हेवी है, और 3 पीस में आता है, और ये आगे का देख सकते हैं, आगे का बट जॉइंट मीन्स फीचे वाला ये वाला आता है, और रील सीट भी देख सकते हैं,
और इसके लिए रील्स भी उसी तरह के चाहिए जैसे 10,000, 14,000 या तो 8,000 सीरीज, हाईएस्ट 6,000 सब इस पे बैठेगा भी नहीं और वो ग्रिपिंग और वो फील भी नहीं मिलेगा। और 6,000 सीरीज में शायद जैसे ही आप ऐसे कास्ट करते हैं 200 ग्राम, 150 ग्राम, सिर्फ वो कास्टिंग में ही अपना लाइन खत्म हो जाएगा, आगे फाइट करने के लिए आपको लाइन नहीं रहेगा। क्योंकि इस तरह के रॉड्स लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करते हैं। एक तो कास्टिंग वेट जो हम इस्तेमाल करते हैं बेट सिंकर्स, वो ऑलमोस्ट 200 ग्राम तक हो जाता है, तो उस हिसाब से एक ही कास्ट में अपना लाइन खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना है 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 इस तरह के रील्स आपको ये रॉड पे इस्तेमाल करना है, परफेक्ट कास्टिंग डिस्टेंस के लिए और परफेक्ट फाइट के लिए। क्योंकि कास्टिंग डिस्टेंस भी रील जितना बड़ा होता है उतना लॉन्ग कास्टिंग करने में मदद करता है, ना कि पूरा रॉड पे डिपेंड करता है, अपने टेक्निक पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है। तो बढ़िया रॉड है, 14 फीट में 2 पीस दिया है और 12 फीट में 2 पीस, सॉरी 14 फीट में 3 पीस दिया है, 12 फीट में 3 पीस दिया है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे सर्फ रॉड क्या है, सर्फ रॉड क्या है, मैं बहुत वीडियोस में बताया हूँ और जो मेरे नए भाई जुड़े हैं, एक्चुअली ये सॉल्ट वाटर के लिए खास कर इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्ट वाटर के लिए ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पिछली बार डाइवा का जो सर्फ रॉड आया था मैं उसमें भी एक्सप्लेन किया हूँ, हर बार जब भी आता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो ताकि नए जो जुड़े हैं उनको पता चल सके क्या किस लिए ये रॉड इस्तेमाल होता है। और बाकी जैसे हर बार बोलते रहता हूँ, अगर 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो कतला है, बाकी के रॉड सब तोड़ दे रहे हैं बता रहे हैं, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफेशनली नहीं, अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग लेके बिग गेम के लिए खेल सकते हैं। तो उसके बाद 12 फीट, 12 फीट में देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाइट देख सकते हैं, पूरा सिंगल 2 पीस आता है, 2 पीस में आता है और ये और भी मजबूत हो जाता है 12 फीट का रॉड। जैसे मैं बताते रहता हूँ 2 पीस सिंगल पीस और 3 पीस के हिसाब से जाते हैं तो 2 पीस और मजबूत हो जाता है, लेकिन क्या है कैरी करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है कैरी करने के लिए। और 12 फीट में 2 पीस का रॉड आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया रॉड है, गाइड्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो के गाइड्स आते हैं और इसके गाइड्स भी छोटे हैं, छोटे हैं, बाकी वो क्या टेक्निक से बनाए हैं ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, जब जानकारी नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं, बाकी जो है रॉड के हिसाब से बता रहा हूं मैं। और सर्फ कास्टर 12 फीट का रॉड है और कास्टिंग वेट 80 to 250 ग्राम, 80 to 250 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है और लाइन रेटिंग 20 to 40 LB, 20 to 40 LB लाइन रेटिंग दिया है, वर्ल्ड क्लास कुछ इस्तेमाल किए हैं और बाकी रॉड एक से बढ़कर एक रॉड्स पूरे आए हैं। और बाकी इसका कास्टिंग वेट वगैरह सब नहीं बताया, देख लेता हूं मैं, और इसमें भी ऑलमोस्ट 80 to 250 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, लाइन रेटिंग सेम दिया है, लेकिन खाते पीते खानदान का रॉड है, देख के ले सकते हैं। और जैसे मैं बताया 12 फीट में बिग गेम रोहू कतला के लिए आप लोग रॉड्स देख रहे हैं तो ये रॉड आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि स्लिम स्लिम के हिसाब से और बाकी बिग गेम के लिए खासकर ये रेफर कर रहा हूँ, बाकी प्रोफेशनली सर्फ रॉड है, तो प्रोफेशनली कार्प रॉड वाइल्ड ब्लैक है, तो ये भी बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ एक रॉड में 2 काम चल जाए उस तरह भी देख के ले सकते हैं। और बाकी एक ही रॉड में शायद सॉल्ट वाटर करने वाले भी हैं, फ्रेश वाटर करने वाले भी हैं, तो 2 in 1 ऑप्शन वो देख के ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वाइल्ड ब्लैक सर्फ फिशिंग नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन 3 पीस का रॉड है थोड़ा देख के ले लीजिए क्योंकि लाइट वेट है, प्लस प्लस लाइट वेट है, ये भी हमें सोचना है। तो बस आज के लिए इतना ही, जितने रॉड्स आए थे सब निकाल चुका हूँ, इनको इसमें से जिन जिन को जो जरूरत है आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट के साथ थोड़ा फॉरवर्ड भी कर दीजिए वीडियोस, थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको पता चले रॉड्स के बारे में और सही प्रोडक्ट देख के ले सके। तो इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है और दूसरा कुछ भी नहीं।
और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।